तो गाइस स्वागत आप सभी का एक और रैंक पुश वीडियो में। तो गाइस इससे पहले कि आप लोग कमेंट करो, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये आईडी मेरा चौथा कॉन्करर है, मतलब कि इस सीजन में मैंने चार चार आईडी कॉन्करर किया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से जब स्टार्ट किया ना, तब मैंने मतलब कि गोल्ड से लेके कॉन्करर लगाया दो आईडी, ठीक है। बीच में से आईडी लिया था, जैसे कि किसी ने पुश कर रखा था तो उसका अभी थोड़ा सा पॉइंट चाहिए था, जैसे कि इस बंदे का मैंने 500 से 600 पॉइंट प्लस किया और तब जाकर मेरा कॉन्करर हो पाया, और वो भी दो दिन के या फिर ढाई दिन के अंदर मैंने कॉन्करर इसका लगा दिया आराम से। और अभी के टाइम पे देख सकते हो तो मेरा कॉन्करर अभी लगा हुआ है और ये मैं सुबह के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देख सकते हो तो कि मेरा 447 रैंक चल रहा है। और रात के 12 बजे जब मैंने खेल के छोड़ दिया था इस आईडी में, तो मेरा जैसे 437 रैंक आ गया था उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था। और आप लोग देख सकते हो तो कि यहाँ पर सर्वाइवल पर रैंकिंग देख सकते हो, तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल यार, 40 रैंक पे चल रहा है ये बंदा, मतलब कि भाई बहुत सारे गेम खेल लिया ना कम से कम इस बंदे ने। 500 गेम पहले से खेल रखा था और मैंने कुछ गेम खेला, और अभी 600 गेम अभी होने वाला है, तो टोटल इसका इतना ज़्यादा गेम प्ले हो चुका है कि भाई सर्वाइवल रैंकिंग में इसका रैंक जो चल रहा है वो भाई ये भाई 40 रैंक पे बैठा हुआ है। तो भाई इस चीज़ से आप लोग समझ सकते हो कि इस बंदे ने कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा, इतने सारे गेम खेला होगा, पर बाद में जाकर मुझे ही कॉन्कर लगाना पड़ा क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा चीटर लोग आ रहे हैं और हर एक गेम में मेरा माइनस लग रहा था। अब मैं आपको प्लस वगैरह और माइनस वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई कैसे कैसे मेरा माइनस लगा था और कितना मुझे प्लस मिला था, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल पाए। क्योंकि देखो बहुत लोग अभी डिमोटिवेट हो रहा है कि भाई बिल्कुल भी प्लस नहीं हो रहा, क्योंकि चार चार पाँच पाँच प्लस दे रहा है भाई चिकन डिनर पे। अब आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो कि कितना प्लस मिलता है। तो भाई सबसे पहले तो इसका कैरियर रिजल्ट ओपन करता हूँ, और यहाँ पर देखो तो मैच इसने ऑलमोस्ट 600 मैच खेला तब जाके ओपन करा हुआ, बट यहाँ पर देखो तो कितना ज़्यादा माइनस लगा है प्लस लगा है आप लोगों के सामने दिख रहा है। और भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक बार माइनस किया था बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला। अब यहाँ पर देखो तो मुझे 20 का माइनस लगा था, और उस टाइम पर मेरा कितना रैंक चल रहा था पता है, 600 रैंक चल रहा था और मेरा 20 का माइनस लगा, तो भाई सीधा 800 रैंक चला गया। और 800 रैंक चला गया उसका फिर मैं इतना ज़्यादा मुश्किल के साथ कॉन्करर कर पाया हूँ, क्योंकि मेरा 7 या फिर 8 बजे के टाइम पे, रात 7-8 बजे के टाइम पे माइनस लगा था। उसके बाद फिर रिकवर करते करते यार 12-1 बजे बज गया, उसके बाद जाके मेरा हो पाया था, क्योंकि प्लस बहुत ही कम मिल रहा था, इस वजह से मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। आप लोग देख ही रहे हो कि यार कितना कम प्लस मिल रहा है, मतलब कि भाई एक दो दो भी प्लस मिला हुआ मुझे किसी किसी गेम में। और भाई आप लोग एक चीज़ सोचो यार, मतलब कोई बंदा अगर चिकन भी निकाल रहा है, थोड़ा बहुत किल कम है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इतना कम थोड़ी प्लस मिलना चाहिए यार, मतलब बहुत ही कम प्लस मिल रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 4-5 का प्लस मिल रहा है यार, मतलब कि हद है। तो भाई इस तरह से मुझे कॉन्करर मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ा, पर मैंने इसका कॉन्करर लगा दिया। आई होप कि आप लोगों को मतलब थोड़ा सा समझ में आ गया कि भाई सभी का माइनस लगता है, ऐसा नहीं कि सभी का माइनस नहीं लगता। बहुत लोग तो भाई सोचते हैं कि यार दूसरे बंदे कॉन्करर कर रहा है इसका मतलब उसका माइनस नहीं लग रहा, तो भाई माइनस सभी लोग खाता है कितना भी प्रो बंदा, क्योंकि भाई कोई अगर चीटर आ गया तो फिर उसके साथ तो भाई फाइट ले नहीं सकते, फिर तो भाई वहाँ पर माइनस लगाना पक्का होता है, तो भाई उस टाइम पर तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ, अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो ना, तो भाई अभी तो 3 जोन के बाहर रह के सर्वाइव करना पड़ेगा आपको। कहीं पे भी छोटा वाला इवेंट खेल रहा हो ना, इवेंट वाला गेम खेल रहा हो, तो उसमें आपको कम से कम 3 जोन ना जोन के बाहर रहना पड़ेगा। जैसे तीसरा जोन स्टार्ट होने से पहले कम से कम 20 सेकंड पहले आप लोग गाड़ी लेकर निकल जाना और जोन के अंदर फिर आ जाना, एज टू एज खेलना, मतलब कि जहाँ पे भी छोटा मोटा सैक मिले या फिर घर मिले, आप लोग हमेशा कोशिश करना कि घर की तरफ ही जाओ, मतलब कोई भी अगर घर मिल रहा है वहाँ पर जाके होल्ड करो, लेकिन ओपन में जाके कभी भी होल्ड मत करना। अगर कोई भी मौका नहीं है, मतलब कोई भी चांस नहीं है, कोई भी घर नहीं है, फिर तो आप लोग होल्ड कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। अगर आप लोग डुओ में खेल रहे हो फिर तो आपको 2 गाड़ियाँ होना चाहिए, मतलब कि अपना दूसरे टीममेट को भी गाड़ी दे देना। अगर आप लोग स्क्वाड में रैंक पुश कर रहे हो फिर तो भाई अलग अलग गाड़ी लोगों तो सबसे अच्छा होगा, पूरा घर ही बना लोगों यहाँ पर कहीं भी जाओगे तो अगर आप लोग सोलो में खेल रहे हो फिर तो आपके पास एक बग्गी होना चाहिए, क्योंकि बग्गी बहुत ही मस्त होता है। अगर कोई बंदा अगर आपके ऊपर पीछे से फायर लेता है, कोई भी बंदा साइड से ही मारता है ना, तो जल्दी उतार नहीं पाता बग्गी से, मतलब बग्गी से जल्दी आप निकल सकते हो कहीं से भी। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा व्हीकल है कूब, अगर आप लोग कूब उठाते हो ना, मतलब कि जो मैकलेरन है वो अगर आप लोग उठाते हो तो भाई बहुत ही अच्छा है। ओवर गाड़ी पर बहुत ही कम गोली कनेक्ट होता है, अगर आप लोग मतलब कहीं से भी जाओगे ना रोटेशन लोगे तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला उतना। तो भाई ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक, लेकिन आपको गेम प्ले के साथ ना बहुत सारे और भी टिप्स एंड ट्रिक देना है, क्योंकि मैंने इस सीजन में जो मतलब झेला है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे साथ दिक्कत हुआ। क्या क्या दिक्कत हुआ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक करके, मतलब गेम प्ले के अंदर। अब आपको गेम प्ले देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा देना, उससे क्या होगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, तो आप लोग हर एक वीडियो को देख पाओगे। तो अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो वीडियो तो देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक और आपके फायदे की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं 4-4 आईडी कॉन्करर लगाया हूँ इसी सीजन में, तो आप लोग सोच सकते हो कि मैंने कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया होगा। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा, इस वजह से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, उससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा।
तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो देख के आपको मोटिवेशन मिला होगा कि भाई हर बंदे का माइनस लगता है, माइनस प्लस तो चलता रहता है लेकिन आपको थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा तभी आप लोग प्लस निकाल सकते हो। बस ज्यादा था आप लोगों से बस एक ही चीज बोलना है कि यार आप लोग कभी भी हार मत मानो, आपका कॉन्कर जरूर होगा भाई 110% होगा। अगर इससे नहीं होता है बाई चांस तो अगला सीन तो जरूर होगा क्योंकि मैं आपको ऐसा ऐसा टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप लोग आने वाले वीडियो का वेट करते रहना क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो और रैंक पुश वीडियो देखने के लिए। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।